गुजरात में राज्यसभा का चुनाव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सवाल राज्यसभा की दो सीटों का है, जिसे लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने सामने है और अब फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है। इस विवाद से एक बार दो साल पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं, जब राज्यसभा को लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की दो सीटों पर एक ही दिन अलग अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले ने कांग्रेस का पारा चढ़ा दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक गुजरात में राज्यसभा की खाली हुई दो सीटों के लिए चुनाव 5 जुलाई को होगा। हालांकि दोनों सीटों के लिए चुनाव अलग अलग होंगे, जिसके लिए अधिसूचना भी अलग अलग जारी होगी। एक ही दिन दो सीटों पर अलग अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को कांग्रेस ने असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस का दावा है कि जब राज्यसभा की दोनों सीटें एक साथ खाली हुई हैं, तो फिर उपचुनाव भी एक साथ ही होना चाहिए। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश भाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दोनों उपचुनाव एक साथ कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। संवैधानिक पहलू, जैसा कि अभी हमने कहा कि सेक्शन 69 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट कहता है कि अगर जैसे ये राज्यसभा में अगर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाए, जो इसमें है अमित शाह जी और ईरानी, तो उनके क्योंकि पहले राज्यसभा में थे तो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस हाउस ऑफ कॉमन जिसको बोलते हैं उसमें चुने गए, तो वो सीटें खाली हो गई, वैकेंट हो गई। अब उनको फिलअप करना है, फिलअप के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया, कानून के अनुसार है। अब वो सेपरेट कराएं या साथ कराएं, ये उनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ इन्होंने सेपरेट कराएं तो कानूनी रूप से कोई उसमें कमी नहीं है। गुजरात में राज्यसभा की जिन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, फिलहाल उन पर बीजेपी का कब्जा था। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे से राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई हैं। अमित शाह ने गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। बीजेपी जहां फिर से दोनों सीटों पर जीत की जुगत लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश दो में से एक जीत पर कब्जा करने की है और यही वजह है कि अलग अलग चुनाव कराने से कांग्रेस का पारा चढ़ा हुआ है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 100 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 77 विधायक हैं और राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 61 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव हुए और विधायकों ने सिर्फ एक बार में वोट दिया, तो कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका होगा, जबकि दोनों सीटों के लिए अलग अलग वोटिंग होने से बीजेपी दोनों सीटों को आसानी से जीत सकती है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने बड़ा क्लियर कहा है कि अगर इलेक्शन हुआ तो हम हार जाएंगे, मेजोरिटी जिसकी है वो जीत जाएंगे अगर ये अलग अलग हुए, लेकिन ये कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कानून जो है धारा 69 जिसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसका रेफरेंस पिटीशन में दिया गया है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि वैकेंसी अराइज होती है अगर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में है व्यक्ति, उसका चुनाव हो गया, वो दूसरे में वैकेंसी हो जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव के हालात बने हैं। 2017 में भी गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों के बीच जबरदस्त सेंधमारी की थी। कांग्रेस के अहमद पटेल चुनाव भले ही जीत गए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को अपने विधायकों को कर्नाटक के रिजॉर्ट में सुरक्षित रखना पड़ा था। इतना ही नहीं, क्रॉस वोटिंग को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने कई बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। राज्यसभा की एक एक सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम है। बीजेपी के पास भले ही लोकसभा में बंपर बहुमत हो, लेकिन राज्यसभा में वो अभी भी अल्पमत में है। ऐसे में बीजेपी जहां राज्यसभा की एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती, तो कांग्रेस भी हाथ में आए इस सुनहरे मौकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में चुनाव पर अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।